पूरा संगलदान से लेकर रामबन तक का कैसा रोड है वो वाला उसके सेम वही दिखेगा आपको। निकलने लगे हैं अब यहाँ से, दूसरी गाड़ी हो रही है बैक, तो निकलेंगे अब यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे आगे। ये इधर खाली गया ऊपर यार, कब आए थे? हम कल के आए हुए परसों के, दो दिन इधर रहे। हाँ दो दिन हो गए।
ये वाला जो ब्लॉग है ना, पूरा संगलदान से लेके रामबन तक का कैसा रोड है वो वाला, उसके सेम वही दिखेगा आपको। आगे पीछे सारी तरह गाड़ी आ गई। ज़्यादा यहाँ पे टेम्पर ही चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टेम्पर चलता है यहाँ पे, और टेम्पर थोड़े फास्ट चलते हैं, डेंजरस ड्राइवरी है टेम्पर वालों में। डेंजरस नहीं बोलेंगे हम उसको, बोलेंगे मतलब बिना सोचे समझे वाले ड्राइवर। आगे कोई गाड़ी आ रही है मोड़ पे, नहीं आ रही है वो चीज़ नहीं देखते हैं, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश जाते हैं, बोलते हैं कि बस उनका मन की यही सोच होती है कि हम ही इस रोड के बाद में बस होते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वैसे ऐसे ये लोग चलते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। नीचे रामबन का व्यू दिखाएंगे हम आपको, एक बार रामबन का व्यू दिखाएंगे। तो 40 रुपये का ठगा रहना है आगे, यही है कहाँ पे आना यही है बस यही हो रहा है तो उठाने के बाजार में पहुंच चुके हैं। इस तरह के पुल मिलेंगे, जाम भी मिलेगा, थोड़ा बहुत जाम तो मिलेगा भाई, क्योंकि बाजार छोटा है, रोड छोटा है, तो जाम तो होगा होगा ऑलरेडी। तो देख लो आपके सामने है जाम भी। बस भाई रामबन पार कर लिया, अब थोड़ा सा ही और बचा है, जो श्रीनगर से रोड आता है करोल पुल,
क्रॉल पुल पे एंड होगा इस रोड का, उसके आगे अपना NH44 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चले मिलते हैं आपको सीधा NH44 के पुल पे। बस भाई वो सामने आ चुका है क्रॉल पुल, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे NH44 पे और साथ में इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करेंगे। ये एक अलग से मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ जो कि चंद्रकोट से लेके क्रॉल पुल से लेके संगलदान तक, मतलब संगलदान से लेके क्रॉल पुल तक वापसी आते का होगा ब्लॉग होगा। तो वो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है वो NH44 का, उसके साथ हम जाके अटैच होने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। तो चले मिलते हैं आपको। ये है भाई सामने एंटर पॉइंट क्रॉल पुल और संगलदान वाला रोड का। ये देखिए भाई यहाँ पे हो गया हम लोग एंटर, ये ले ली भाई हम लोगों ने एंट्री NH44। अब बस